बहुत लंबे समय पहले अचारपुर नाम का एक गांव हुआ करता था और उस गांव के कुछ लोग एक हाथी से परेशान थे जो हर शाम 5 से 6 बजे के बीच में जंगल में कहीं से आकर लोगों को खूब भगा भगा कर परेशान करता है। मुझसे और नहीं होगा रे दक्कन, मैं इस हाथी से थक गया हूँ। हाँ चम्मच, पता नहीं वो हाथी हमें किस जन्म का बदल ले रहा है। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकला तो जब तक मैं बाहर नहीं निकलता तब तक वो मेरे घर के सामने से भी नहीं जाता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वो हाथी वहाँ पर आ जाता है और आज वो चम्मच को छोड़कर ढक्कन के पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो पागल हाथी अपना इरादा बदल कर मेरी तरफ जाए, मैं ही यहाँ से भाग जाता हूँ। ये कहते हुए चम्मच वहाँ से अपने घर चला जाता है और भाग भाग कर ढक्कन की हालत खराब हो जाती है। ढक्कन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए उससे मिलने के लिए उस गांव के सरपंच और लोग आते हैं। हमें तुम्हारे हालत देखकर दुख हुआ दक्कन। दुख तो सबको होता है सरपंच साहब, लेकिन दर्द तो मुझे ही सहना पड़ रहा है। ये सही कह रहा है सरपंच जी, हम कम से कम इस बात का पता होना चाहिए कि हमसे ये क्यों हो रहा है। चम्मच, तुम जाकर गांव में ये ऐलान कर दो कि जो कोई भी उस हाथी को पकड़कर बंदी बनाएगा उसे हमें मुंह मांगा इनाम देंगे। चम्मच गांव में जाकर ये ऐलान कर देता है और लोग उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके बैठते हैं। वो हाथी हर रोज की तरह गांव में आती है, लोग उसे भगा भगा कर मार कर घायल कर देते हैं। वो घायल हाथी लंगड़ाते हुए वापस जंगल में लौट जाता है और काफी दिनों तक लौटकर वापस भी नहीं आता है। इस बात से खुश होकर दक्कन, चम्मच और बाकी गांव वाले मिलकर एक छोटी सी दावत रखकर जश्न मना रहे थे। तभी वहां पर कुछ डकू अपने हाथों में हथियार लिए उन्हें लूटने के लिए आते हैं। अबे वाह नमोना, बहुत का पी लिया, अब चुपचाप अपने जेबी और घर काली करके ले आओ। याद रहे, कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश भी ना करे। ये कहते हुए वो डाकू उन लोगों में से एक को थप्पड़ मारकर डराते ही सब दम दबाकर अपने अपने घरों में से सोना और पैसे लेकर आते हैं और उन डाकुओं के हाथ में रख देते हैं। बहुत खूब, ये कहते हुए वो डाकू वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं हमारे गांव पर किसी की बुरी नजर पड़ी है, जो एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है। सरपंच ये बात कह ही रहा था कि वो डाकू वापस से उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर और शरीर पर चोटे लगी थी। उनके पीछे वो हाथी भी आती है। वो डाकू अचारपुर वालों को उनका धन लौटा कर, हमें माफ कर दो, हम दोबारा इस गांव के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। ये कहते हुए वो डाकू वहां से चले जाते हैं। चम्मच और दक्कन उसे देखकर डरने लगते हैं। उन्हें देखकर वो हाथी, घबराओ मत, मुझे तुम लोगों को चोट पहुंचने की कोई इरादा नहीं है। ये तो बोल भी सकता है। हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ और सुनकर समझ भी सकती हूँ। इतने ही समझदार हो तो मेरे गांव वालों को परेशान क्यों करते हो दोस्त? मैं सिर्फ उन्हें ही परेशान करता हूँ जो अपनी खुशी के लिए दूसरे जानवरों को परेशान करते हैं। मैं पिछले 500 सालों से इस गांव और इस गांव के जानवरों की रक्षा कर रहा हूँ। इन 500 सालों में मैं तुम जैसे इंसान नहीं देखी। तुम लोग भी इन जानवरों से कुछ कम नहीं हो,
इसीलिए मैं तुम लोगों को भी इन डाकुओं से रक्षा कर रही हूँ। हाथी की बातें सुनकर सरपंच, दक्कन, चम्मच और बाकी गांव वाले सब शर्मिंदा महसूस करते हैं और हाथी से माफी मांगते हैं। हमें हमारी बेवकूफियों के लिए माफ कर दो दोस्त, और अब से तुम्हें जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घर बना कर देंगे। इस बात पर जश्न जारी रखो। फिर गोरखपुर गांव में ढोलक नाम का एक ऑटो वाला रहता था। ढोलक का ऑटो काफी पुराना था और चलते वक्त अजीब अजीब आवाजें निकलता था, इसीलिए गोरखपुर वाले उसके ऑटो में बैठने से हिचकिचाते थे। उसी गांव में थबला नाम का एक स्क्रैप वाला रहता था, जो हमेशा ढोलक के ऑटो के पीछे पड़ रहता था। अब तो तुम्हारे ऑटो में मच्छर भी बैठने से इनकार कर रहे हैं ढोलक। दे दो मुझे ये ऑटो, 100, 50 जो भी होगा दे दूंगा। तुम मेरे ऑटो से दूर ही रहो तबला सेठ। ये कहकर ढोलक वहाँ से चला जाता है। ऐसे तबला रोज ढोलक को परेशान करता रहता था। ढोलक उसके सामने से गुस्से में निकल जाता था, लेकिन बाद में बहुत दुखी होता था। ढोलक को एक भाई भी था जो शहर में रहता था और कमाल का इंजीनियर था। एक दिन ढोलक का भाई मोड़क उसे मिलने के लिए गोरखपुर आता है। अरे मेरा भाई, आखिरकार तुझे अपना बाकी याद ही आ गई। याद तो हमेशा रहते हो भाई, लेकिन अब जानते हो ना, शहर में छुट्टी मिलना कोई आसान बात नहीं है। सही कहा, चल घर चल के करते हैं बाकी बातें। ये कहकर दोनों भी ऑटो में बैठकर घर जा रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में तबला मिलता है। तबला हमेशा की तरह ढोलक का मजाक उड़ाता है और मोड़क से कहता है कि क्या भाई, शक्ल और हालत से तो अच्छे आदमी लगते हो, तुम्हें इससे अच्छा तो नहीं मिला था क्या हमारे गोरखपुर में? उसकी बातों पर ध्यान मत दो तुम। ये कहकर ढोलक अपने भाई को वहाँ से लेकर चला जाता है। घर जाकर ढोलक मोड़क को सारे बात बताता है। मोड़क उसे कुछ काम है कहकर घर से बाहर निकालकर तबले की दुकान पर जाता है। तुम्हारे पास जितने भी पुराने ऑटो हैं, वो सारे मुझे चाहिए, पैसों की चिंता मत करो। तबला उसे सारे ऑटो दे देता है। मोड़क उन सारे ऑटोस को अपने टैलेंट की मदद से जोड़कर 4 डब्बों के रेलगाड़ी की तरह बनाता है। अगले दिन सुबह मेरा ऑटो कहाँ गया? ये जरूर उस तबले की काम होगा। तबले भाई, ये किसी तबले की काम नहीं, अब मेरे साथ आओ। ये कहकर मोड़क ढोलक को उस ऑटो के पास लेकर जाता है। ढोलक उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे चलाकर ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। ये सब देखकर तबले की अच्छा नहीं लगता और एक दिन रात को वो उसकी ऑटो को आग लगाने के लिए आया है। उसे मोड़क देख लेता है और दोनों भाई मिलकर उसे खूब मारकर उसी ऑटो में उसे घर छोड़कर आते हैं। आज के बाद किसी को उंगली नहीं करूंगा मम्मी।